नमस्कार, मैं हूं नेहा। आप देख रहे हैं पोल खोल। पोस्ट पुलिस अधीक्षक व अपर पुलिस अधीक्षक मुख्यालय ने चुर्क पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता कर बीते दिनों हुई चोरी का किया खुलासा। घोरावल पुलिस के अथक प्रयास के 8 चोर गिरोह को पुलिस अधीक्षक ने किया पर्दाफाश। 27 मई को चोरी के सामान बंटवारे को लेकर चली थी महिवा गांव में गोली, जिसमें 2 लोग हुए थे घायल। घोरावल क्षेत्र में कई जगहों पर हुई थी चोरी। पुलिस ने तमचा कारतूस, 3 बाइक, 1 चार पहिया वाहन व 4 लाख के सोने के आभूषण, 22,000 नकद बरामद हुआ। घोरावल पुलिस ने सतोहा ग्राम से आरोपियों को पकड़ा। रवि धरीकर पुत्र बहादुर उर्फ प्रदीप निवासी अमरावती थाना विंध्याचल जनपद मिर्जापुर, लौकुश धरीकर पुत्र शिवचरण निवासी महा थाना घोरावल जनपद सोनभद्र, अजय धरीकर पुत्र श्यामलाल निवासी महा घोरावल सोनभद्र, सुनील धरीकर पुत्र तेजबली निवासी महा घोरावल, धनपति धरीकर पुत्र रामबली निवासी महा घोरावल, मुनीप उर्फ पंडित पुत्र एकन्नी निवासी मरिया मिर्जापुर, संतोष सोनी पुत्र कृष्ण मुरारी निवासी अमरवती मिर्जापुर, दीनानाथ केसरी पुत्र गौरी शंकर निवासी बसनही मिर्जापुर को गिरफ्तार किया गया है। थाना घोरावल में एक 2 धरिकार फंस थे, उनके आपस में कुछ लड़ाई हुई, जिसमें जब पुलिस मौके पर पहुंची तो ये समझ में आया कि जो लड़ाई है वो एक चोरी का गैंग है, जिसमें उस चोरी का जो माल है उसके बंटवारे को लेकर के हुई। तो फौरन ही पुलिस ने जिस बारे में जानकारी करना शुरू किया तो इसे SOG और SWAT की और घोरावल की टीम ने मिल करके जब जानकारी करी तो ये पता चला कि पिछले करीब 6 महीने से हमारे घोरावल और जिला मिर्जापुर के थाना लालगंज, चुनार, इन सब जगह पर मढ़ियान में कई जगह पे कई लोगों ने लगातार चोरी करी जा रही थी, जिसके बारे में जानकारी नहीं हो पा रही थी। तो जब पूरी बातें निकल के आई तो ये पूरा धरकार गैंग, जो थाना विंध्याचल मिर्जापुर में रहने वाले धरकार बस्ती के रहने वाले लोग हैं, ये इसका अनावरण हुआ। इसमें अभी तक हमने 8 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिसका जो मेन इसका जो गैंग लीडर है रवि धरकार, वो भी हमारे गिरफ्त में है। उसने भी उस दिन जो 27 तारीख को घोरावल में घटना हुई थी वहाँ आकर मौके पर आके लड़ाई झगड़ा किया था और फायरिंग भी की थी। और इसके अतिरिक्त 5 मेंबर और हैं जो अभी वर्तमान में फरार हैं, शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी। इन सभी से अभी तक जो हमने जानकारी करी है उसमें 6 मुकदमे जो हमारे थाना चोरियां करी थी वो मुकदमे इन्होंने बताए हैं। उस संबंध में सामान भी बरामद कराया, पूरी 100% बरामदगी है। इसके अतिरिक्त इनसे और बातें की जा रही हैं, इनके और साथियों को भी पकड़ा जाएगा, उनसे भी जानकारी की जाएगी इन्होंने कहाँ कहाँ चोरियाँ करी और माल कहाँ रखा है। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।